नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे सेरा इन्वेस्टमेंट्स की। जी हाँ, लगातार 3 सेशन हो चुके हैं अपर सर्किट वाले, तो अभी क्या संभावनाएं बनती हैं इसकी, कहां तक जा सकता है, कहां से नीचे आ सकता है, सब कुछ चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12.30 रुपये पे है 5% अपर सर्किट के साथ, और एक अपडेट भी है छोटी सी, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से आप सर्च करेंगे, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, शेयर स्मॉल में BA ZZ कैपिटल में। तो आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह डालता हूँ। कोई टिप वगैरह मैं यहाँ नहीं देता हूँ, नहीं मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ। अभी मैंने मात्र 32 पैसे का एक पैनी स्टॉक है, जिसपे अभी ऑपरेटर्स ने, भाई जो अक्षिता कॉटन वाला जो ऑपरेटर है मल्टीप्लायर, उसने 25 लाख शेयर खरीदे हैं 32 पैसे पे। तो उसका मैंने पूरा एनालिसिस किया है, आप एक बार जाके देख लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो होती है मैं पहले यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि कई बार तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बार ESM वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने ESM पे वीडियो बनाया, जो ESM की दोनों स्टेजेज हैं उसके उस पर मैंने वीडियो बनाया, तो एक बार जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, फिलहाल यहाँ पर आपको 12:30 ओपन हाई लो, तो इसका मतलब ये है कि 12:30 पे ओपन हुआ और पूरे दिन आपको अपर सर्किट पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये फिलहाल इसकी अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक इसको फिलहाल किसी भी ग्रुप में नहीं डाला गया है, ये एक पॉजिटिव साइन इसके लिए निकल कर आता है। दूसरा अपडेट ये है कि भैया यहाँ पर इंटीमेशन फॉर क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो यानी कि 1 जुलाई से इनकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज रहेगी, और कब तक, जब तक इनके फाइनेंशियल रिजल्ट आ जाएंगे, जिस दिन आएंगे उसके 48 घंटे बाद तक आपकी जो इनकी ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज रहेगी। यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड देखिए, वॉल्यूम फिलहाल बहुत कम आ रहा है, अभी 35,245 और डिलीवरेबल क्वांटिटी 35,245। यहाँ पर आप देखिए 3 जुलाई 4 बजे के आसपास का मामला है। यहाँ पर देखिए सुबह 9:30 बजे देखिए खुलते ही लग जाता है अपर सर्किट, 2,95,000 बाइंग ऑर्डर है। बाइंग ऑर्डर हालांकि फिलहाल इसके हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि अभी एक्चुअल में ये देखिए थोड़े और बढ़ेंगे, ये अभी मालूम अच्छा खासा बढ़वाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑपरेटर जो है अच्छे खासे शेयर लेके बैठा है। जब तक यहाँ पर भाई उसने मान लीजिए 10 लाख शेयर खरीद रखे हैं, 10 लाख शेयर उसके पास हैं, यहाँ पर जब तक 10 लाख नहीं आएगा, खरीदने के वाले लोग 10 लाख नहीं होंगे, तब तक ये बेच ही नहीं पाएगा। तो अभी तो फिर मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा, जाते हुए देखने को मिलेगा। खैर, अभी हम आगे चार्ट में देखेंगे। वॉल्यूम देखिए सुबह सुबह 9:30 बजे का लगभग 15,000 का है और 2,95,000 दिख रहा है शेयर्स, और क्योर BSE पे ये ट्रेड करता है, NSE पे तो है नहीं है, सुबह 9:30 बजे का मामला है। अब ये 3:30 बजे के आसपास मैंने लिया था, तो लगभग 40 लाख मामला बढ़ा है, माफ़ कीजिएगा 40 लाख कह रहा हूँ, 40,000 2,95,000 था ना भाई इधर, ये देखिए 2,95 था, तो इधर हो गया 3,35, तो लगभग 40,000 का मामला बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 35,245 ही जस्ट निकल कर आया है, तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर ये लेके जाएंगे। रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 1 वीक में ये जो अभी 3 दिन में लगातार बढ़ा है, वही है मामला आपको देखने को मिल रहा है, जो 3 अपर सर्किट लगे देखने को मिले। हालांकि 5 साल में 98% रिटर्न, 3 साल में 6% के, 2 साल में 11% के रिटर्न ने दिए हुए हैं। डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात करें तो देखिए 35,000 का मास्टर वॉल्यूम आया है, कल की बात करेंगे तो 34,000 का था, 1 वीक की बात करेंगे तो 1 लाख है, और 1 मंथ की बात करेंगे तो 4 लाख का है, 100% डिलीवरी उठाई जाती है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें थोड़ी सी, जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, 3 सेक्शन में आपको अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। देखिए पीछे से फिलहाल अभी कोई सपोर्ट एक्शन नहीं निकल के आता, जो सब निकल के आता वो फिलहाल यही वाला निकल के आता है, जो ये है 15 रुपये के आसपास का, 15 रुपये पहला रेजिस्टेंस मुझे दिखता है, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है एक तरीके से। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ हलचल देखने को मिले, अगर ये टूटता है तो फिर आपको फर्दर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं उठाया है जो प्रॉफिट में, मेरे तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भैया प्रॉफिट बुक करते रहिए, और इसको, इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करने वाला नहीं है, क्योंकि कब यहाँ से फिर ऑपरेटर जब निकलेंगे फिर ये लोअर सर्किट मारेगा, और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं इस पर पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है सेरा इन्वेस्टमेंट अपडेट करके, तो वहाँ पर आपको सब कुछ, सारे वीडियो एक ही जगह दिख जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।